हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ऐप टू रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। सो यहाँ पे हम अपने फोन पे है और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने मोबाइल के मैसेज का टोन कैसे बदल सकते हैं, यानी यहाँ पे हमें कोई भी मैसेज करेगा तो यहाँ पे हमारा टोन कैसे बजेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको सेटिंग करके दिखा देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अपने फोन की सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको नीचे में एक ऑप्शन दिखाई देगा, साउंड एंड वाइब्रेशन। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे आपको सिंपली सर्च के ऊपर क्लिक करना है और सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है साउंड। टाइप करने के बाद यहाँ पे नीचे में आ जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन, तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको नीचे में एक ऑप्शन दिखाई देगा, नोटिफिकेशन टोन, तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे टोन आ जाएगा जिसमें से आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं और जैसे यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका टोन बजेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको सुना देता हूँ, चलिए इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सॉन्ग बज रहा है, यानी टोन बज रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे अपना गाना भी लगा सकते हैं, यानी यहाँ पे आप जैसे ऑन डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जितने भी सॉन्ग होंगे वो यहाँ पे इस तरह से शो करेगा और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका गाना बजना शुरू हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपको कोई भी मैसेज करेगा तो यहाँ पे आपका सॉन्ग बजना शुरू हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल यहाँ पे हमें अपने फ़ोन से ही लगाना है, इसलिए यहाँ पे मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा मैसेज सेट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली से कट करना है और उसके बाद यहाँ पे हमारा सेटिंग कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह से आप भी अपने मोबाइल की मैसेज टोन को बदल सकते हैं। और किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए।